बदला, परिस्थितियां भी बदली, श्री राम मंदिर का निर्माण भी पूरा होने वाला है, लेकिन सियासत की अंतरधारा में यह मुद्दा अब भी बरकरार है। इस बार के चुनाव में जीत हार की पटकथा इसी पृष्ठभूमि में लिखे जाने की तैयारी है, क्योंकि सीएम योगी ने एक बार फिर से राम मंदिर का मुद्दा उठा दिया है। जय सियाराम, जय जय सियाराम। रामपथ से विजय पथ की ओर अग्रसर बीजेपी ने अयोध्या में सियासत की वो लकीर खींच दी जिसके दूसरी तरफ जीत का रामबाण है, जहां से हिंदुत्व का गुणगान है, जहां विपक्ष के लिए इस बार रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि एक बार फिर योगी ने कह दिया ये 2014 के बाद का युग है जहां विरासत का संरक्षण हो रहा है, और इस बात की गवाही 500 साल बाद वापस मिली राम जन्मभूमि है। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होगा, और जनवरी में प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहां पर रामलला 500 वर्षों के बाद अपने मंदिर में फिर से विराजमान होंगे। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, विरासत का सम्मान नहीं है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, आप अयोध्या से जाएंगे 2.5 घंटे की दूरी पे आपको काशी विश्वनाथ धाम मिल जाएगा। पीएम मोदी और सीएम योगी ने जो सपना देखा था वो अब साकार हो रहा है, और साकार हो रही है वो तस्वीर जब प्रभु राम अपने घर में विराजमान होंगे, तब अयोध्या में सिर्फ जश्न और उत्सव होगा। लेकिन जिस तरह राम मंदिर को लेकर चुनावी माहौल तैयार हो रहा है वो विपक्ष के लिए चुनौती से कम नहीं, क्योंकि सीएम योगी का बयान कुछ इसी दिशा में है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी 2024 से रामलला के दर्शन भव्य राम मंदिर में किए जा सकेंगे। इसी बीच आज लखनऊ में नेशनल सिंधी कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी का एक अहम बयान आया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 500 साल बाद हमें राम जन्मभूमि वापस मिली है, ये 2014 के बाद का युग है। 2014 यानी जब पहली बार नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। सीएम योगी ने वो मुद्दा छेड़ दिया है जो सत्ता का केंद्र है, जहां से हिंदुत्व की दशा और दिशा तय हुई, जहां से कई दलों के किले हिल गए, यानी सीएम योगी का अयोध्या प्रणाम और हिंदुत्व कार्ड विपक्ष के लिए हार्ड होने वाला है। देखिए, धर्म निरपेक्ष देश के एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक तरफ वो कानून बनाते धर्मांतरण पे, लेकिन दूसरे तरफ वो घर वापसी का बयान देते हैं, फिर वो मंदिर की बात करते हैं, और अगर वो बात नहीं करते हैं तो जनता से किए गए वादों की बात नहीं करते हैं। सही कहा उन्होंने, जिस प्रकार से आक्रांताओं ने, आक्रमणकारियों ने, विधर्मियों ने, खरियंदकारियों ने सनातन को नष्ट करने का प्रयास किया, सनातन को विनष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन मैं साधुवादेताओं संघ विचार परिवार को जिन्होंने अथक प्रयास किया, और साधु संतों को जिन्होंने राम भक्तों को जगाया, जगाने के बाद ऐसी जागृति आई कि आज अयोध्या में नव दिव्य भव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। यानी जिस राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी ने 2014 और 2019 में प्रचंड जीत के साथ सत्ता हासिल की, एक बार फिर वो मुद्दा 24 के चुनावी रण में शोर मचा रहा है, क्योंकि एक बार फिर विजय रथ को आगे बढ़ाने के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी 22 जनवरी को प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम की धरती से चुनाव का विजयी उद्घोष करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दिवाली के मौके पर नई अयोध्या की नई तस्वीर देखने को मिलेगी। इस बार 21 लाख दीप जलाने का लक्ष्य रखा है। दीपोत्सव में अयोध्या के हर घर में दीप जलेंगे। दीपोत्सव की अभी से शुरू हो चुकी है तैयारी। अगले साल जनवरी में श्री राम विराजमान होंगे। यानी अयोध्या की बदलती ये तस्वीर बीजेपी के लिए 24 में खुशखबरी लाने वाली है, क्योंकि 24 के रण में हिंदुत्व की छवि एक बार फिर दिखने वाली है, और टारगेट 80 को पाने के लिए 80 पर फोकस है। यानी मुख्यमंत्री योगी ने जब अयोध्या का मुद्दा उठाया तो 24 के लिए संदेश भी साफ हो गया। जनवरी में
प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से स्वयं रामलला 500 वर्षों के बाद अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे तो भाइयों बहनों दुनिया अयोध्या की तरफ आकर्षित होगी। दरअसल चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, सबकी नजर अब 80 पर जा टिकी है, क्योंकि 80 वो मैजिकल नंबर है जिसके बूते सत्ता के लिए संघर्ष की जरूरत नहीं, और उसी पर पकड़ के साथ बीजेपी 24 के रण में उतर चुकी है, क्योंकि जनवरी में राम लला घर में विराजमान होने वाले हैं और बीजेपी के फिर से अच्छे दिन आने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। क्लीन स्वीप वाले फॉर्मूले पर काम कर रही बीजेपी अब शहरों में चुनावी माहौल तैयार करने के लिए पार्षदों को लेकर भी टीम बना चुकी है, जिसके पास में डोर टू डोर दस्तक देने का टारगेट है। साथ ही उस रणनीति को भी आगे बढ़ाया जा रहा है जिससे कि नगर निगम में क्लीन स्वीप करने वाले मेयर जनता तक संदेश पहुंचा सके। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस योगी की आंधी में साइकिल पंचर, हाथी बेदम और हाथ साफ हो गया था, अब एक बार फिर उसी आंधी की तैयारी में बीजेपी उन योद्धाओं को जिम्मेदारी दे रही है जिन्होंने नगर निगम की सभी सीटों पर भगवा लहराया था। उन 17 नगर निगम के 17 मेयर अब 80 सीटों पर जीत के लिए कमर कस चुके हैं और उस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं जिससे शहरी इलाकों में चुनावी माहौल बनाया जा सके। इसके लिए बीजेपी पार्षदों को ट्रेन कर रही है, नगर निगम में जिम्मेदारी दे रही है, योजनाओं का मंत्र दिया जा रहा है, संपर्क अभियान चलाने का टारगेट है। दरअसल बीजेपी अपने पार्षदों को ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें ग्राउंड पर उतार रही है जो जनता के बीच ट्रिपल इंजन की सरकार की उपलब्धियां बता सके। मिशन 2024 की चुनावी तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी अब पूरे उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गई है और इसका जिम्मा दिया है पार्षदों को। पार्षदों को बाकायदा भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण दे रही कि आखिर किस रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरना है, और आप देख सकते हैं ये नगर निगम के पार्षदों का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मंच पर मौजूद हैं, कमलेश मिश्रा जो कि क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं मंच पर मौजूद हैं, तमाम जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं वो इस मंच पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम पार्षद हैं नगर निगम के ये बैठे हुए हैं यहाँ पर, और इनको बाकायदा प्रशिक्षित किया जा रहा है कि आखिर किस रणनीति के तहत चुनावी मैदान में जाना है। यकीनन प्रदेश के सभी नगर निगमों में बीजेपी के महापौर विजयी हुए हैं, ऐसे में जनता की अपेक्षाएं बढ़ चुकी हैं जिसे पूरा करने के लिए जमीनी स्तर पर तैयारी की जा रही है जिससे एक बार फिर क्लीन स्वीप वाला रिजल्ट दोहराया जा सके। डोर टू डोर अभियान चलाना है, जनता की परेशानी समझनी है, परेशानी को तुरंत निपटाना होगा, दलित पिछड़ी बस्तियों पर फोकस। बीजेपी की कोशिश हर वोट बैंक को साथ लेकर चलने की है ताकि सभी 80 सीटों पर कमल खिलाया जा सके, और बीजेपी नेताओं के दावे भी कुछ इसी तैयारी को लेकर है। जो उत्साह है, जो जोश है, जो 2024 को लेकर के एक जुनून है, वह विपक्षियों के किसी सी गुफे से उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सब ने एक ही बात ठान रखी है कि जब भी चुनाव होंगे लोग इंतजार कर रहे हैं कि कमल का फूल खिलाएंगे और मोदी जी को तीसरी बार देश का पीएम बनाएंगे। प्रभु राम का मंदिर भी बन रहा है, एम्स भी बन रहा है, मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, सड़कें भी हैं, बिजली भी है, 6000 किसान के खाते में पैसा भी, रोजगार भी, आत्मनिर्भर भारत भी है, 33% महिलाओं को आरक्षण भी है और सुरक्षा व्यवस्था भी है, बुलडोजर भी चल रहा है, जो भी पापी हो, दुष्ट हो और जो भी माफिया हो, तो हर तरीके से जो कानून व्यवस्था चलनी चाहिए, जैसा एक प्रदेश देश चलना चाहिए, मोदी योगी जी के इस राम राज्य में दोबारा बहुमत की सरकार के साथ मोदी जी दोबारा प्रथम व्यक्ति बनेंगे, वापस से सबसे ज्यादा सीट लेके आएंगे। इन दावों और वादों के बीच बीजेपी की रणनीति हर वर्ग, हर समुदाय, हर गांव, हर बस्ती तक अपनी पहुंच बढ़ाने की है ताकि 2024 में वो रिकॉर्ड कायम हो जिसकी हिम्मत अब तक किसी पार्टी ने नहीं जुटाई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज 18। आप देख रहे हैं न्यूज 18
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।